गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज टॉपिक एनआईसीयू यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूनेट इंटेंसिव केयर यूनिट। एनआईसीयू मीन्स क्या है? न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। एनआईसीयू इज ए वेरी स्पेशलाइज्ड यूनिट वेयर द क्रिटिकल इल यूनिट्स आर केयर्ड ऑफ रिड्यूस द मोर्टेलिटी एंड मोर्टिलिटी। द एडमिशन द यूनिट स्पेशल केयर यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट हैज सम क्राइटेरिया। इफ द न्यूनेट इन द क्रिटिकल कंडीशन द न्यूनेट नीड्स केयर ऑफ द इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी इंटेंसिव केयर यूनिट यानी NICU एक स्पेशल यूनिट होती है न्यूनेट्स के लिए जो रिड्यूस करती है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी को। और न्यूनेट्स NICU में एडमिशन करने के लिए सम क्राइटेरिया होता है, सम कंडीशन होती है न्यूनेट्स की, तभी न्यूनेट्स को उसमें एडमिट किया जाता है NICU में। अगर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इल कंडीशंस में है न्यूनेट्स तब एडमिट किया जाता है, और उसको नीड्स है यानी आवश्यकता है इंटेंसिव केयर यूनिट की तब उसको न्यूनेट्स में NICU में एडमिट किया जाता है न्यूनेट्स को। डेफिनेशंस। न्यूबॉर्न और न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एज इंटेंसिव केयर यूनिट डिजाइंड फॉर प्रीमैच्योर एंड इल न्यूबॉर्न बेबीज। यानी न्यूबॉर्न या न्यू NICU न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट को डिजाइन किया गया है प्रीमैच्योर जो समय से पहले एंड न्यूबॉर्न बेबीज जो इल न्यूबॉर्न कंडीशन जैसे न्यूबॉर्न कंडीशन जैसे लो बर्थ बे लार्ज बेबीज है, बर्थ एस्पेक्सिया है, मिकोनियम एस्पेरेट कंडीशंस है, सीवर जॉन्डिस है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है, तो ये कुछ कंडीशंस होती है जो न्यूनेटल को NICU की ओर एडमिशन के लिए क्राइटेरिया होता है जो ये डिसाइड करता है कि न्यूनेटल्स को एक इंटेंसिव केयर यूनिट की रिक्वायरमेंट है, या किसी प्रकार इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस। ए न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट इज एन इंटेंसिव केयर यूनिट स्पेशलाइज केयर ऑफ द प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। अगर प्रीमैच्योर है, अगर वेट 1500 से कम है तो एक कंडीशन सीवियर कमिट है प्रीमैच्योर बेबीज है। हिस्ट्री 1961 में वेंडरबिलिट यूनिवर्सिटी बाय प्रोफेसर माइल्ड्रेड स्टेहमैन मिड 19th सेंचुरी डॉक्टर स्टीफन स्टार्नियर फादर ऑफ इंक्यूबेटर डॉक्टर बुडिन इन फादर ऑफ प्रीनेटोलॉजी। ये हिस्ट्री है न्यूनेटल की कि सबसे पहले जो है कौन से जो डॉक्टर्स हैं जिनको ये लगा कि एक न्यूनेट्स को एक स्पेशल केयर यूनिट की भी रिक्वायरमेंट होती है। हवे एम ऑफ NICU या न्यूनेटल केयर यूनिट, सबसे पहले ये कि रिड्यूसिंग द न्यूनेटल मोर्टिलिटी एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एमंग द सर्वाइवर। यानी न्यूनेटल कंडीशन है, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द क्रिटिकल है इल न्यूनेट्स है, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है, जिससे क्या होगा कि न्यूनेट्स कीपिंग इन द माइंड द सर्वाइवल ऑफ न्यूनेट्स सो एज द रिड्यूस द न्यूनेटल मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, जिससे मोर्बिडिटी के या मोर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, जो एक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाता है NICU के द्वारा। ऑब्जेक्टिव टू सेव द लाइफ ऑफ द सिक न्यूबॉर्न, जो सिक न्यूबॉर्न है उसकी लाइफ को बचाने का जो ऑब्जेक्ट है हमारा। टू प्रिवेंट डैमेज इन्फेंट प्रॉब्लम्स बर्थ आल्सो रिड्यूस मॉर्बिडिटी इन लेटर लाइफ, और आगे भी जो है मॉर्बिडिटी को ये कम करती है, रिड्यूस करती है। और जो प्रिवेंट डैमेज इन इन्फेंट विथ प्रॉब्लम्स एट बर्थ, यानी जो इन्फेंट्स है, जो न्यूबॉर्न है, जो जिसका जन्म हुआ है उपरांत कई उसके जैसे कॉन्जेनिटल अनबॉडीज है, कोई सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, कल्बजेंसी कंडीशन है, या कोई प्रिवेंट कोई इंजरी है, तो उन सभी को ये केयर यूनिट इंटेंसिव केयर यूनिट के द्वारा हम कम कर सकते हैं। टू मोनिटर द हाई रिस्क न्यूबॉर्न एज द रिड्यूस मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी इन दिस बेबीज,
टू मोनिटर में जैसे कि टू मेंटेन द बॉडी फंक्शन जो होते हैं, जैसे पुलमोनरी सिस्टम्स है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, वेनस प्रेशर्स है, ब्लड बाई नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स है, ये सभी जो उनको मेंटेन करना है फंक्शंस की बॉडी को, जिससे क्या होगा मोटिलिटी एंड मोबिडिटी को भी को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि मोनिटर है ये हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स में होती है, वो सभी हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स में जैसे मेजर द ऑक्सीजन कंसम्पशन, यानी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ऑक्सीजन लाल यादव के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। टू एडमिशन पैरालिसिस जो अमाउंट्स फ्लूड्स है वो भी बच्चे को दिए जाते हैं, और उन फ्लूड्स को देने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि एक न्यूनेट्स को फ्लूड्स की पंप के द्वारा या किसी पीडियाट्रिक सेट से उनके द्वारा मिनट के हिसाब से फ्लूड को दिया जाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स के एनएससी के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, वार्म जो है इंक्यूबेटर के साथ में जो एनएससी का टेम्परेचर है वो 33 to 36 रखना चाहिए, अवेलेबिलिटी और रनिंग वाटर एंड राउंड क्लॉक। रनिंग वाटर इसलिए क्योंकि एनएससी एक इंटेंसिव केयर यूनिट है जिसमें हाइजीनिक जो कंडीशंस है उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन सोर्स भी होते हैं यूनिट्स में, तो हैंड वॉशिंग जैसी कंडीशन के लिए अवेलेबिलिटी रनिंग वाटर राउंड ए क्लॉक, क्योंकि हाथ को वॉन्डिस करने हैंड वॉशिंग प्रॉपर जरूरी है। कंस्टलाइज्ड ऑक्सीजन एंड सक्शन फैसिलिटीज, जो भी ऑक्सीजन एंड सक्शन फैसिलिटीज है वो अवेलेबल होनी चाहिए एनएससी में, जैसे कि रिसक्सेशन एंड ट्रीटमेंट ट्रॉली स्टॉक है, मेंटेन द थर्मो नेचुरल इन्वायरमेंट। थर्मो नेचुरल इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए 33 to 36 इंक्यूबेटर के साथ में टेम्परेचर, एबिलिटी ऑफ प्लेंटेन एंड लिनेंट डिस्पोजल्स, फैसिलिटी ऑफ एबिलिटी टू ट्रीट कॉमन न्यूनेट प्रॉब्लम्स। अब मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंसीडर्ड वाइल ऑर्गेनाइजेशन इन आईएसयू, मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जो एनएसयू में जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं एनएसयू को, पहला है फिजिकल फैसिलिटीज, दूसरा है पर्सनल, तीसरा इक्विपमेंट, फोर्थ है लेबोरेटरी फैसिलिटीज, फिफ्थ है प्रोसीजर मैनुअल, ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक इन्फेंट्स, कोऑपरेशन बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। फिजिकल फैसिलिटीज पहला है लोकेशन, लोकेशन कहाँ होती है, लोकेशन जो होती है मोस्ट ऑफली एनएसयू की वो लेबर रूम के पास में या डेली रूम के पास में होती है। नेक्स्ट है स्पेस, स्पेस होता है देर आर शुड बी गैप ऑफ द अबाउट 6 feet बिटवीन द टू इनक्यूबेटर फॉर एडिक्यूट सर्कुलेशन, कीप द एसेंशियल लाइफ सेविंग इक्विपमेंट स्पेस नीडेड 120 square feet, यानी दो इंक्यूबेटर्स के बीच में 6 feet का जो है स्पेस होना चाहिए। फ्लोर प्लान में ये है कि जो एनआईसी है मोस्ट ऑफली टॉप फ्लोर पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए वे मोस्ट ऑफली साथ में, अगर मोस्ट टॉप फ्लोर पे, बट देर इज मस्ट बी एडिक्यूट सनलाइट फॉर इल्यूमिनेशन, यानी इल्यूमिनेशन के लिए जो सनलाइट का होना भी ज़रूरी है, जिससे क्या है कि फ्रेश एयर से जो वेंटिलेशन को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है वेंटिलेशंस में जो है मिनिमम ऑफ 6 air changes, 2 air changes शुड बी आउटसाइड ऑफ द फिल्ट्रेशन ऑफ इनर एयर, इफेक्टिव एयर वेंटिलेशन ऑफ द नर्सरी इन एसेंशियल टू रिड्यूस, यानी इफेक्टिव एयर वेंटिलेशन ऑफ नर्सरी इन द एसेंशियल ऑफ टू रिड्यूस नोजोकॉमिन इन्फेक्शन, यानी वेंटिलेशन काफ़ी ज़रूरी है जो रिड्यूस करता है नोजोकॉमिन इन्फेक्शन, यानी ब्रॉड एक्सटेंशन जो इन्फेक्शन बच्चों को एक दूसरे से फैलता है या एयर मूवमेंट के द्वारा जो बच्चे को इन्फेक्शन फैलता है। नेक्स्ट लेते हैं लाइटिंग, द लाइटिंग अरेंजमेंट शुड प्रोवाइड यूनिफॉर्म शेडो फ्री इल्यूमिनेशन ऑफ 100 feet ऑफ कैंडल्स एट द बेबी लेवल्स, इन एडिशनल एट द बेबी लेवल्स इन एडिशनल स्पॉट इल्यूमिनेशन शुड बी अवेलेबल फॉर ईच बेबी फॉर एनी प्रोसीजर। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी, तो ये
environmental temperature and humidity. In the case of controlling the environment temperature, the NSS should not be located on the top floor for the sunlight for illumination. यानी temperature maintain करने के लिए ये भी है कि जो है NSS top floor पर नहीं होना चाहिए. The temperature inside the unit should be maintained at 28 degree and plus minus 2 degree centigrade, while the humidity must be above 50%. MA acoustic characteristics. Next है handling and social contact, communication systems. लास्ट है इलेक्ट्रिक आउटलेट्स. इलेक्ट्रिक आउटलेट्स में जो 2 to 3 ऑक्सीजन आउटलेट्स है, 2 कंपोस्ट एयर आउटलेट्स है, 2 to 3 सक्शन आउटलेट्स है, एडिशनल पावर प्लग है, पॉइंट्स है, जो भी है रिक्वायरमेंट वो अवेलेबल होनी चाहिए. एक्सरे मशीन्स क्लोज द पेशेंट केयर एरिया. हैंडलिंग एंड सोशल कॉन्टेक्ट में द यूनिट मस्ट बी हैव ए अनस्ट्रेस्ड क्लीन वाटर सप्लाई आनी चाहिए. ईच पेशेंट्स केयर ऑफ द मस्ट आल्सो हैव ए वॉश बेसिन विद फ्लोर एल्बो ऑपरेटिंग टाइप्स, वॉश बेसिन प्लेसिंग पेपर टॉवल्स ऑफ जो भी है सभी क्लीन होनी चाहिए. नेक्स्ट है पर्सनल. पर्सनल में है पहले स्किल नर्सेस. स्किल नर्सेस दूसरा है न्यूरोलॉजिस्ट. थर्ड है लैब टेक्नीशियंस. फोर्थ है बायोकेमिकल मेडिकल टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट. यानी मेडिकल जो भी स्टाफ है वे हेडेड बाय द डायरेक्टर हु इज अ फुल टाइम न्यूरोलॉजिस्ट विद स्पेशल क्वालिफिकेशन इन ट्रेनिंग इन न्यूरोनेटल मेडिसिन. यानी यूनिट्स के अंदर जो भी स्टाफ है पैरामेडिकल स्किल्स नर्स है न्यूरोलॉजिस्ट है विद स्पेशल क्वालिफिकेशन विद ट्रेनिंग इन न्यूरोनेटल मेडिसिन, उनको स्पेशल जो ट्रेनिंग है वे अदर स्टाफ को इनके द्वारा दी जाती है. यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द पेशेंट केयर. वे सभी प्रकार की जो न्यूट्रल कंडीशंस में होती है उनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने के लिए. डेवलपमेंटल ऑफ द ऑपरेटिंग बजट्स, इक्विपमेंट इवेल्युएशन एंड परचेज, प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इवेल्युएशन ऑफ द इफेक्टिव ऑफ द पेरिनेटल केयर इन द एरिया. ये जो इक्विपमेंट्स है जो एनएसवी के अंदर मोस्ट प्रोबली रहते हैं. तो फर्स्ट लेते हैं इक्विपमेंट्स. रिसेचुटेशन इक्विपमेंट्स जिसमें पहला आता है बैग, मास्क, रिसेचुटेशन ऑक्सीजन एंड सक्शन फैसिलिटीज, कैथेटर होते हैं, सिरिंज होते हैं, नीडल्स होती हैं. कैथेटर, सिरिंज, नीडल्स, कैथेटर जो होते हैं, फीडिंग ट्यूब्स होती हैं, ये सभी अकॉर्डिंग टू मार्क के अनुसार होती है. यानी अलग अलग इनके नंबर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये यूज की जाती है. फीडिंग इक्विपमेंट्स है, लेमिनर फ्लो सिस्टम्स है, वेट मशीन्स है, बेसिनेट्स है, इनक्यूबेटर्स जो भी है, रेडिएंट हीट वार्मर है, थर्मोमीटर है, ऑक्सीजन एनालाइजर है, जैसे कि इसमें इंक्लूडिंग है इनक्यूबेटर्स है, वार्मथ है, थर्मोमीटर है, ऑक्सीजन एनालाइजर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, परफेक्ट हीट शील्ड होती है, फोटोथेरेपी यूनिट इंक्लूडिंग है इसमें, एंड हार्ट रेट मोनिटर, रेस्पिरेटरी रेट एपनिया मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, मल्टी चैनल वाइटल साइंस मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, बिलीरुबिन एनालाइजर है, ट्रांसफ्यूजन बिलीरुबिन मीटर है, ट्रांसक्यूटेनियस ब्लड गैस मॉनिटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, सेपलोनोग्राफी और एंटीडाल सीओटी यानी सीपेप जिसको बोलते हैं वो कंडीशन ऐसी रहती है जिसमें सीपेप के द्वारा हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ती है. इसमें सम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन की दी जाती है. न्यूट्रल वेंटिलेटर्स, न्यूट्रल पुलमोनरी फंक्शन टेस्ट, क्रैनियल अल्ट्रासोनोग्राम, इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटर, इंट्राकोर्पियल मेंबर ऑक्सीजनेटर, प्लेसेंटा प्रोटोटाइप. फोर्थ पे फर्टिलाइज है, लेबोरेटरी फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट 6 इन्फेंट्स, प्रोसीजन मैनुअल. अब एक कोऑपरेशन बिटवीन द ऑब्स्टेट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट.
एनेटल केयर एंड फिटल डायग्नोसिस, प्रीनेटल हाइपोक्सिया, प्रमोशन ऑफ फीडिंग एंड ह्यूमन मिल्क, सुपरवाइज्ड केयर ऑफ द लो बर्थ बेबीज, लेवल्स ऑफ द न्यूनेटल केयर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो होता है नर्स रेशियो मेंटेन 1:1 डे नाइट, द रेशियो नर्स विद टू सिक बेबीज नॉट रिक्वायरिंग वेंटिलेटरी सपोर्ट ऑफ द एडिक्वेट और आइडियल नर्स पेशेंट रेशियो फॉर ट्रेंड केयर ऑफ द इंटेंसिव केयर यूनिट, एडिशनल हेड नर्स इज ओवरऑल इंचार्ज। द एडिशनल बेसिक नर्सिंग ट्रेनिंग फॉर लेवल टू केयर, टर्शियरी केयर रिक्वायर्ड डेसिडेटेड कम्युनिटी एंड ट्रेंड स्टाफ ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी। देर आर ट्रेनिंग मस्ट बी इंक्लूड ट्रेनिंग हैंडलिंग इक्विपमेंट, यूज ऑफ वेंटिलेटर्स, यूज ऑफ द मास्क, रिसक्शन एंड इवन एंडोट्रेकियल इनक्यूबेटर, आरटीएल सैपलिंग एंड सो एन सो एन। ये जो लेवल होता है ग्रेड यानी इन्वेंटरी केयर के अंदर ये दिया जाता है। फर्स्ट ये होता है कि इसमें जो मिनिमम केयर प्रोवाइड है अदर मदर्स सपोर्ट फैमिलीज मेंबर्स अंडर सप्लाई बेसिक हेल्थ प्रोफेशन, द यूनिट्स वेट जो अबव 2000 ग्राम या 2000 से ज़्यादा या हैविंग गेस्टेशन एज 37 वीक्स है मोर अलोंग कैटेगरी। ये लेवल फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। लेवल सेकेंडली जो न्यूनेटल वेट है वो अगर वेट 150,000 अकॉर्डिंग टू 2000 के और गेस्टेशन एज है जो 32 to 36 वीक्स है तो नीड स्पेशल न्यूनेटल केयर। तो ये लेवल जो सेकेंड केयर हो गया। लेवल थर्ड न्यूनेटल वेट जो है लेस देन 1500 से कम है और गेस्टेशन एज जो है बिफोर बोर्न है 32 वीक्स गेस्टेशन रिक्वायर्ड इंटेंसिव केयर यूनिट, ओनली 3-5% न्यूबॉर्न बेबी नीड टू केयर स्किल्ड नर्सेज न्यूनेटोलॉजिस्ट स्पेशली ट्रेंड ऑफ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। योगेश समरी। थैंक यू एवरीवन।